सब्सक्राइब करें हमारे वॉरियर सबसे ऑफ इंडिया चैनल को ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचे और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले हमारे सबसे वीडियो देखने के लिए। कौन है ये? सचमुच आप लोग तैयार है? एक आवाज, ये सब लोग क्या सचमुच आप लोग तैयार है? एक बात देख लेते, जो हमारे लेडी वॉरियर में कितना ताकत है आप लोग 6 बजे, क्या मेरा आप लोग सचमुच तैयार है? आप 6 बजे तो क्या आप लोग सचमुच तैयार है? आप लोग सचमुच तैयार है? हम 24 तारीख को कुछ तो लो भाई, क्या क्या होटल रात खाना सर आना बाथरूम में सवार मजा रहा था सारा जी और कुछ मजा रहा ट्रेनिंग क्या मंथन के कर आपको क्या प्लानिंग हो चुका है कर लिया प्लानिंग क्या सिल्वर निकाल लिख लेंगे बिजनेस से जी सर, yes, सर, सर। सोच लो भाई बिजनेस आपका है सारी चीज तो कल मिल चुका है तो बस अभी जाके फील्ड में खुद का प्लानिंग करके खुद बस इम्प्लीमेंट करके फील्ड में उतर जाना है जी सर करना है ना yes, सर। ना जोश खत्म हो गया काफी टाइम से देख नहीं सकी थी पूरा आप लोग उनको पूरा तब से गर्म कर रहे हो आप लोग की भाई कल रात से भी ठंडा हो गया क्या है सारे लोग रात का ट्रेनिंग क्या ठंडा कर दिया फिर नो सर ये जो गर्मी है ना बिजनेस का ये गर्मी 3 साल तक रहना चाहिए क्योंकि ये गर्मी अभी तक मेरे को 3.5 साल में उतरी ही नहीं है नीचे बिजनेस स्टार्ट करने का टाइम है जैसे गर्म था अभी बिजनेस के अंदर सेम गर्म है मेरा अंदर जो पागलपन आज से 3 साल पहले था पागलपन आज ही मेरा हर काम में हर एक्टिविटी से नजर आता है क्योंकि अब बिजनेस गर्मी को ठंडा ही करने नहीं देता क्योंकि सपना ही बड़ा है क्योंकि अभी तो भाई सिर्फ 16 लाख का कार आया हुआ बिजनेस से सिर्फ 16 लाख का अभी तो इसलिए एक साल के अंदर मेरे को यहां से लगभग 45 लाख से कार लेना जैगुआर XF घर लेना है 75 लाख का भुवनेश्वर में माइंड सेट हो चुका है आप क्या सेट करके जा रहे हो बिजनेस से आज हॉल से आप क्या सेट कर रहे हो आपका अपना प्लानिंग क्या है क्या लेना चाहते हो घर गाड़ी बाइक स्कूटी क्या मोबाइल फोन नेटवर्क नई जगह में घूमना क्या आपका प्लानिंग क्या है क्या फाइनल कर चुके हो
कुछ होगा ये बिजनेस से? जी सर। भरोसा आ रहा है? यस सर। आ रहा है भरोसा? यस। ये लोग तो कल तो बुला लिए हैं, 1500 का पैकेज रख लिए हैं, रात को दबा के खाना खिला, फिर बेटा बेटा के ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई ये होगा वो होगा ऐसा होगा फलना होगा ढिंगा होगा, भरोसा हो रहा है? बस बस तुक्के में चले हुए नहीं भाई सर, वो देख लेते हैं, सकीब सर तो बुलाए हुए, बबलू सर बुलाए हुए, चले चल के देखते हैं, सबको जा रहे चलो साथ में चले जाते हैं, चांस ले लेते हैं, चांस के लेने के लिए आए हुए क्या? देख लो, चांस लेने के लिए आए क्या? कुछ लोग तो कल रात को मेरे से मिले थे, बोलते सर आप होटल से बाहर निकलो, रूम से सोना है सर, अभी 1500 दिए भाई, सोने दो अभी, बोलते किसका टीम से भाई, प्लानिंग नहीं है, बोलते सकीब सर का टीम से सर, कोई प्लानिंग नहीं, अभी सोना है, ऐसे लोग भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, घर में भी सोना था तो घर में सो रहे थे, इसमें क्यों है सोने के लिए क्या? क्योंकि कल रात का जो प्लानिंग था, कल रात का मंथन था, ये आने वाले तीन महीने के लिए ये आपका प्रॉपर प्लानिंग हो गया, क्योंकि टारगेट प्लस प्लानिंग प्लस वर्किंग इज इक्वल टू सक्सेस, आप जान रहे हो ना? yes. कि आप जब तक टारगेट नहीं बनाओगे तब तक प्लानिंग नहीं होगा, और जब तक आप प्लानिंग नहीं करते हो तब तक वर्किंग स्टार्ट नहीं होगा, और जब तक आप वर्किंग नहीं करते हो अपने बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो, मतलब सक्सेस नहीं हो सकते हो, तो इसलिए हम सब बोलते हैं कि टारगेट प्लस प्लानिंग प्लस वर्किंग इज इक्वल टू सक्सेस, अब पीछे से ले लो, पहले सक्सेस होने का प्लानिंग करो, कि भाई सर बाद में प्लानिंग कर लो, पहले सर मेरे को 1000 कमाना है, पहले ही बिजनेस का 1000 चेक में कमाना है सर, पहले बाद में कर लेंगे प्लानिंग, क्या हो जाएगा? ना नॉलेज है ना टेक्निक्स है ना कुछ भी है, आइडिया है कुछ भी नहीं है, बस उधर के ऊपर काम करने के लिए वर्किंग स्टार्ट हो गया, क्या सक्सेस हो जाओगे? और ना बिजनेस में एंटर किए हैं, ना कोई सिस्टम है, कुछ भी नहीं दिमाग में नहीं है, बस प्लानिंग कर रहे हो मेरे को कुलपति बनना है, मेरे को कुलपति बनना है, भाई कुलपति बनने के लिए जो लाखों कमाने का प्लेटफॉर्म तो चूज कर लो, बात समझ रहे हो ना? क्या प्लेटफॉर्म में एंटर नहीं किया, प्लानिंग कर रहे हो मेरे को यहां से लखपति बनना है, मेरे को कुलपति बनना है, भाई किससे बनोगे? मेरे को यहां से बनना है, मेरे को यहां से बनना है, क्या बन जाओगे? क्योंकि हर एक चीज हर चीज से रिलेटेड है, ये जो मोबाइल फोन पकड़े हो उसका अंदर बैटरी भी उसका बहुत बड़ा इसका रोल निभाता है, चाहे अंदर बैटरी तो आ जाए, अंदर यदि मोबाइल फोन में सिम नहीं होगा कुछ फायदा है उसका अंदर? तो हर चीज से रिलेटेड लग के रहे हुए हैं, हर चीज हर काम से जब मिलते हैं, मोबाइल जब बैटरी से मिलता है तो उसके अंदर और मोबाइल ऑन हो जाता है, मोबाइल ऑन तो होगा, अंदर सिम नहीं डालेंगे तो फिर आगे का प्लानिंग नहीं हो सकता है, तो इसलिए आज इस बिजनेस से आपको प्लानिंग पहले करना पड़ेगा, पहले प्लानिंग क्या? प्लानिंग पहले क्या था? टारगेट, पहले टारगेट था, आपको इस बिजनेस में पहले टारगेट बनाना पड़ेगा, और आपका टारगेट है क्या? सिल्वर। क्या टारगेट है? सिल्वर। खत्म, जोश बनो के करपति, लोग थूक देंगे मार्केट में, फूल 40 लाख का जो हम लोग डब्बा लेके जाते हैं ना टूर किट लेके घर पे आ जाओगे, चेहरा इतना फूला हुआ रहेगा, इतना छोटा हो जाएगा, फिर क्योंकि एक्साइटमेंट ही नहीं आपके अंदर, हम देख रहे हैं भाई 40 लाख कमाना बिजनेस के अंदर, आज गरीब शर्मी बनने का एक सोच लेके बैठे हुए हैं इस भी हॉल के अंदर, लेकिन एक्साइटमेंट ही नजर नहीं आ रहा, सब कुछ बस कैसे जल्दी खत्म हो जाए, लिख लेंगे यहां से सर, बस पकड़ना फिर जाना है घर सर, यही प्लानिंग है आपका भाई, स्विच ऑफ कर लो जिसका मोबाइल फोन ऑन है, क्योंकि प्लानिंग सेट हो चुका है हर किसी का, मेरा प्लानिंग सेट हो चुका है, मेरे को किसी भी हाल में ये जो 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर जो बाकी जो 3 हफ्ता बचा हुआ है, ये 3 हफ्ता के अंदर मेरे को किसी भी हाल में 3 सिल्वर निकालना है, ये मेरा प्लानिंग है, ना कि मेरे को ये 3 हफ्ता में मेरे को 100 सेल 200 सेल नहीं चाहिए, मेरे को 3 सिल्वर चाहिए, ये मेरा इस बिजनेस में टारगेट लो चुका।
चुका हूं, ये मेरा टारगेट है मेरे को 3 सिल्वर का। बात समझ रहा हूं ना? क्योंकि मेरा जो टारगेट है 3 सिल्वर का, मैं यदि 3 सिल्वर क्या वाकई जाकर फिल्म में बना देंगे तुरंत, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई टारगेट नहीं, कुछ भी नहीं दिमाग में, चले बस इसको उठा दो तो भाई चल सिल्वर बना देंगे, हो जाएगा? चल प्लान दिखा, हो जाएगा? अब मेरे को एक बात बता सकते हो, ताजमहल कहाँ पर बना था? ये मोहतक, ये आगरा में नहीं बना था सर, पहले उसका मतलब शाहजहां का माइंड में बना था। शाहजहां का माइंड में बनना था। पहले हर आदमी को पूछते हैं कि ताजमहल कहाँ बनता, बोलते हैं सर ताजमहल आगरा में बना था। दुनिया में जो भी आज तक बड़ा काम हुआ है दो बार तैयार हुआ, चाहे घर भी बनाए दो बार बनाए हो, कुछ भी आप लाइफ में किए हो, चाहे ताजमहल हो, चाहे इंडिया गेट हो, चाहे कुछ भी हो, मार्केट के अंदर जो भी आज दुनिया में जाना पहचाना होता है वो दो बार बना हुआ है। ये पेन पेपर में पहले और दिमाग में दूसरा होता है, जो कंस्ट्रक्शन का मार्केट जहां पे बनना था वहां बनता है। तो आप पहले अपना दिमाग में जो टारगेट लेना, आपको टारगेट लेना कि बिजनेस में मेरे को किसी भी हाल में ये तो सिल्वर निकालना है, किसी भी हाल में ये आपका टारगेट होना चाहिए। एक सिल्वर मतलब ये आपका टारगेट बन गया। और सिल्वर कैसे आप एक निकालोगे एक महीना के अंदर, इसके लिए आपको बैठ के इसके बाद प्लानिंग करना पड़ेगा। आप कितना नाइट ट्रेनिंग करोगे, कौन सा बंदा को पकड़ोगे, किस बंदा को आप सिल्वर बनाना चाहते हो, उस बंदा को अभी से आप अपनी जगह में चूज कर लो, आप उसको चुन लो, उसका साथ बैठो और उसको बताओ कि भाई तेरे लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूं, मैं तेरे को सिल्वर बनाने का टारगेट लिया अपने दिमाग में, मैं तेरे को इस बिजनेस में सिल्वर बनाना चाहता हूं। क्या बंदा सामने वाला तैयार नहीं होगा? yes. आप जाके बताओ उसको सिल्वर का फायदा, उससे मिलो, उसको बोलो कि भाई मेरे तेरे को सिल्वर बनाना है और तुम आओ, तुम यदि सिल्वर बनोगे तुमको ये सारा फायदा है, यदि तुम एक महीने के अंदर सिल्वर बनते हो तो इस बिजनेस में तुम कमाते हो 25,000 रुपए और टीम वॉरियर मैनेजमेंट के थ्रू से आपको 10,000 मिलेगा। मतलब आप यदि सिल्वर बन जा रहे हो आप यहाँ पर 35,000 कमा लोगे। तो सामने वाला बंदा है तैयार हो कि नहीं होगा? होगा ना? अब मैडम यहाँ पे आ जाओ, अब बैठ जाओ, फ्रेशर है, फ्रेशर आप ही लगा जाओ। क्या नाम आपका? इनका दिल से हो जी का, बहुत अच्छा बात है। फ्रेशर हो आप, किस चीज में बनना चाहते हो? बनोगे? फाइनली डन? कितना दिन? एक महीने के अंदर। एक बार जोरदार ताली बजाना चाहिए भाई, मेरे को एक महीना के अंदर मेरे को सिल्वर बनना है। बंदा का टारगेट ले लिया कि आप सिल्वर बन के आप और लोग हासिल करना चाहते हो कि आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज डायमंड कोई वैल्यू नहीं, अलग सिल्वर के वैल्यू बन चुका है। जी सर, बात सही है ना? यस सर। क्या आप लोगों को हासिल करना चाहते हो? यस सर। भाई यदि कुछ पाना कुछ तो खोना पड़ेगा आपको, आपको यहाँ पे कुछ नहीं खोना है, सिर्फ रात का नींद खोना है, दिन में भूख खोना है। आप खाने से इम्पोर्टेंट आप किसको दे रहे हो दुनिया में? आज से दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इंसान के लिए? क्या है? खाना है। इससे इम्पोर्टेंट चीज दुनिया में है क्या? इंसान के लिए आज से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है खाना। और जिस दिन आपको खाना से आपका टारगेट दिख जाए ना, खाना से इम्पोर्टेंट आपका टारगेट, तो आप ये क्लियर हो जाओ, जिस दिन आपको आपका खाना से आपका भूख से आपका टारगेट दिखा पहले, तो आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हो जाओगे। कोई आपको रोक नहीं सकता। खाना है, जल्दी खाना है, जल्दी सोना है भाई। खाना सोना जिंदगी कर लोगे। झोपड़ी झोपड़पट्टी वाला भी करता है, एक रईस आदमी करता है। झोपड़पट्टी वाला कैसा करता है और आप कैसे करते हो और रईस आदमी कैसे करता है, ये चीज को आपको आज से देखना पड़ेगा। तो आपको अपना खाना छोड़ना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं बोले फिर सखी कमर बीमार पड़ जाओगे। वापिस आप बोले खाना मत खाओ, ऐसा नहीं, मतलब खाने से इम्पोर्टेंट आपको आपको टारगेट को देना पड़ेगा सिल्वर लेवल के लिए। फिर आप जाओ, आपको लगभग आपका 50 का एक
लिस्ट बनाओ, वो हो गया आपका आपका टारगेट, हो गया आपका सिल्वरशिप और आपका प्लानिंग अभी तो बन रहा है। यदि आप इस बिजनेस में सिल्वर बनना चाहते हो तो आप एक काम करो, आपको पहले इस बिजनेस में आपको सिल्वर बनने के बाद क्या क्या प्रॉफिट आपको मिलेगा, क्या आपका जिंदगी में क्या परिवर्तन आएगा, आपको जानना जरूरी है। इंसान का अंदर जब इंसान पैदा होता है और मरने तक दो ही चीज आता है उसकी जिंदगी अंदर, क्यों और कैसा। जब इंसान का क्यों क्लियर हो जाता है, क्यों व्हाई, जब इंसान का व्हाई क्लियर होता है तब इंसान का हाउ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। बात सही है yes, कि जब तक आपको मालूम नहीं है कि आपका टारगेट क्या है, आप क्यों सिल्वर बनने वाले हो, सिल्वर बनने के बाद आपका जिंदगी के अंदर परिवर्तन क्या आएगा, क्या आप सिल्वर के लिए कोई प्लानिंग करोगे। जब एक आदमी अपना टारगेट ले रहा है सिल्वर बनने के लिए, आप उसको साथ बैठकर और उसको बताओ सिल्वर का प्रॉफिट, सिल्वर बनने के बाद इंसान के अंदर क्या परिवर्तन होगा, वो कौन सा इनकम लेवल में जाकर पहुंचेगा उसको बताना जरूरी है, तब जाके एक जबरदस्त प्लानिंग सेट हो सकता है। क्लियर, टारगेट का बाद प्लानिंग आता है और वो आप उनको बताओ कि जब आप सिल्वर बन जाओगे आपका लगभग लेफ्ट में 25 और राइट में 25 का टीम बनेगा, आप इस बिजनेस से 25,000 कमा लोगे और आपको मैनेजमेंट से 10,000 का आपको गिफ्ट मिलेगा, आप ये बिजनेस से 35,000 कमा लोगे। 35,000 कमाओगे अलग बात है, आप एक सिल्वर का पिन अचीव कर लोगे, आप 50 लोगों का आप लीडर बन जाओगे। अच्छा, आप 50 लोगों के लीडर बन जाओगे, आप जहां पे जाओगे आपको भूखे दे के आपको सम्मान दिया जाएगा और आप इस बिजनेस से आपका ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप इस बिजनेस से सिस्टम से अपने टीम को चला लिए और सारे अपने को आपको मांग के टीम को चला लिए, ये 50 लोग आपको लगभग 1,00,000 का भी इनकम पहुंचा सकते हैं यदि आप चाहो तो। अच्छा, टीम के अंदर 50 लोग आ गए, आप हर लीडर के लिए प्लानिंग कर रहे हो, बात सही है ना, आप हर लीडर के लिए प्लानिंग करते हो तो आप चाहे तो 50 आदमी से ये बिजनेस में 1,00,000 में टच ला सकते हो। लेकिन भाई क्या ये बिजनेस में जब 1,00,000 का टच में आने का एक आपको अपॉर्चुनिटी है, क्या आप उस अपॉर्चुनिटी से सिर्फ 10% इनकम नहीं निकाल सकते हो, निकालोगे ना। यदि आप सिल्वर बन जाओगे 1,00,000 का कमाने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप चाहो तो महीने कम से कम 40,000 तो कमा सकते हो। यदि आप सिल्वर बन गए तो महीने का 40,000 बाइक ले लोगे, आपके पास मोबाइल फोन होगा, एक लेवल होगा, आपका रेगुलर इनकम 40,000 होगा। आप जब 40,000 कमाओगे आपके घर में चलने का जो स्टेटस बढ़ जाएगा आपका, तो क्या आप सिल्वर बनना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। जब आपका माइंड सेट हो गया, आपका टारगेट सेट होने के बाद आपका वाई क्लियर हो गया कि आपको सिल्वर क्यों बनना है, तो आपका अभी एक काम है कि आपको भाई कम से कम तो 20-25-30 का एक लिस्ट बनाना, आपको 30-35 लोगों का ऐसा लिस्ट बनाओ जिसको ये बिजनेस का जरूरत है, निकाल लोगे लिस्ट जिसको जरूरत है, कोई भाई निकाल लेगा जिसको जरूरत है जी सर। आप जरूरत पर आदमी को ढूंढने जाओगे कभी नहीं मिलेगा, बंदा मिलेगा भाई जिसको बिजनेस को जरूरत है, आदमी खुद जुड़ा हुआ है बिजनेस के अंदर। आपको मार्केट में ऐसा आदमी मिलेगा जिसको जरूरत है लेकिन चाहत नहीं है, बैठो उसका नीड है लेकिन वेट नहीं है। हर आदमी को बिजनेस का जरूरत है लेकिन चाहत नहीं है, लेकिन आप गलती करते हो, आप जरूरत वाले आदमी को ढूंढते रहते हो, किसको जरूरत है, किसको जरूरत है, किसको जरूरत है। ये मेरा मामा ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, इसको मत लिखो। ये मेरा बुआ ये नहीं करेगा, इसको मत लिखो। और हम लोग ये बिजनेस करने गलती करते हैं, जो 25-30 लोगों का जो लिस्ट बनाते हैं, जरूरत वाले आदमी को ढूंढते रहते हैं, किसको जरूरत है, किसको जरूरत है, किसको जरूरत है। भाई तो जरूरत वाले आदमी को ढूंढना शुरू करेंगे ना, कभी नहीं मिलेगा। आप इस बिजनेस के अंदर जरूरत है चाहत वाला आदमी को ढूंढना शुरू करेंगे ना, वो कभी भी नहीं मिलेगा। जिसको भाई बिजनेस करने का चाहत है वो आदमी तुरंत आके जुड़ जाएगा ना। लेकिन आपको किसको ढूंढना है, जिसको जरूरत है लेकिन चाहत नहीं है। जो आदमी को 1,00,000 का इनकम जरूरत है लेकिन बंदा को चाहत नहीं है,
वो बंदा का बिजनेस करना नीड है लेकिन वांट नहीं है। नीड को वांट में कन्वर्ट करना है। ऐसा लोगों को आप बिजनेस का लिस्ट में लिखो जिसको जरूरत है चाहत नहीं है। क्या है? जरूरत है चाहत नहीं है। उसको गाड़ी का जरूरत है लेकिन चाहत नहीं है। उसको हर महीना 1 लाख इनकम जरूरत है लेकिन चाहत नहीं है। तो आप किसका नियम लिख रहे हो? जिसका चाहत है। भाई मेरा ये तो मेरा फुआ है, इसका नाम लिखकर जुर्मी कर लेना, ये मामा ये लिखकर सुसाइड कर देते, ये आप ऐसा मत करो। अब देखो आपका मार्केट के अंदर जो आदमी का सपना बड़ा है, जो बड़ा बड़ा सपना सोचते रहता है, मौका हमेशा ढूंढते रहता है, जिसको अपना परिवार में अपने समाज में एक नाम बनाने का जो इसका इच्छा है, जो अपने प्रेजेंट इनकम में खुश नहीं है, जो आज परिवार बड़ा है इनकम छोटा है, ऐसा लोगों का लिस्ट आप बनाओ। जब ये लोगों से आप मिलोगे ना, वो लोग बोलेंगे कि भाई मेरे को ये बिजनेस करना नहीं है, तब उस टाइम क्या करोगे? छोड़ दोगे बिजनेस? क्योंकि आपका टारगेट यदि आपका बन चुका है, आपको सिल्वर बनना है और प्लानिंग हो चुका है कि आपको 30 लोगों से मिलना है, 30 लोगों का लिस्ट बनाना है, आपको 30 लोगों से मिलना है और 30 लोगों को बिजनेस दिखाना है, ये आपका प्लानिंग है। बात सही है ना? और प्लानिंग जब करने के बाद आपका जो वर्किंग स्टार्ट होता है, प्लानिंग के बाद वर्किंग, जब आपका वर्किंग स्टार्ट होता है तो आपको मार्केट में रिजेक्शन मिलना शुरू हो जाता है, लोग मना करना शुरू करते हैं। और वहां पर सबसे बड़ा बात है, जो प्रॉपर या आपका माइंड के अंदर सचमुच यदि आप टारगेट लिए हुए 100% कि मेरे को ये बिजनेस के अंदर किसी भी हाल में कोई करे या ना करे, चाहे प्रॉब्लम आए या ना आए, मेरे को सिल्वर बनना है, मतलब बनना है, मतलब बनना है, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। चाहे आदमी जितना भी रिजेक्शन आ जाए, आप यदि आप आपका टारगेट सेट है तो आप कोई भी रोक सकते सिल्वर बनने के लिए। तो आज जिस आदमी का जरूरत है चाहत नहीं है, ऐसा आदमी को आप ढूंढना शुरू करो। अब मार्केट में हर आदमी के पास जाओ, हर आदमी आपको जरूरत वाला लोग मिलेंगे। हर आदमी को जो आज का टाइम है स्मार्टफोन का जरूरत है लेकिन चाहत नहीं है, क्योंकि उसका छोटा वाला फोन में उसका दिमाग लगा हुआ है। बात सही है ना? yes, sir. लेकिन चाहत नहीं है, कौन जाएगा 10,000 खर्चा करने? दिमाग तो यहाँ पे लगा हुआ है ना, अपना काम तो हो जाता है, 10-15-20 तो कमा लेते हैं भाई, क्या जरूरत है किसी को जाके 2-4 छापड़ खाना, लोगों का ना सुनना, ये होता है ना। जब आपका इसमें दिमाग लगा हुआ, बोलो कि सर इसमें कॉल जा रहा है, मेरा मैसेज जा रहा, सब कुछ तो हो रहा है, सर इसमें क्यों इन्वेस्ट करने जाएंगे 10-15 हजार रुपये? ये आपको जरूरत है लेकिन चाहत नहीं है। बात सही है ना? yes, और आप जहां पर लगे हो वहां से कुछ आता भी नहीं है, सिर्फ फोन और मैसेज आता रहता है। अब जब आप उसको बताओगे, उसका जरूरत को चाहत में कन्वर्ट करोगे, जब इस मोबाइल का सारा फैसिलिटी आप बताओगे, इसमें व्हाट्सएप दिखाओगे, इसमें नेट कनेक्ट दिखाओगे, इसमें नेट बैंकिंग दिखाओगे, उस सारे सुविधा उसको सारे इसमें फैसिलिटी दिखाओगे, क्या वो आदमी का जरूरत चाहत में कन्वर्ट नहीं होगा? क्या आप करते हो? जब आप बिजनेस किसी को दिखाने चाहते हो तो वो आदमी सीधा जो बिजनेस फार्मिंग का तरह उसका दिमाग लगा हुआ है, ये जो पुराना मोबाइल फोन है जो बिजनेस फार्मिंग का तरह होता है, और ये है सैमसंग। जब आप उसका बिजनेस प्लान दिखाते हो तो भाई नहीं मेरा तो जो बिजनेस फार्मिंग सही है, मैं इसमें क्यों 11,000 लगाने जाऊं? बात सही है ना? लेकिन आपका टारगेट बन चुका है कि मेरे को सिल्वर बनना है, तो आपको उसको जरूरत को चाहत में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। आपको उसके लिए नाइट ट्रेनिंग आना पड़ेगा, आपको उस सारे ट्रेनिंग लेना पड़ेगा जो जरूरत को चाहत में कन्वर्ट करता है। आपको हर और ट्रेनिंग में अटेंड करना पड़ेगा, रात को बैठ कर रात को 2-2 बजे तक आपको अपना ये बिजनेस को सीखना पड़ेगा, कैसे मैं लोगों को जरूरत को चाहत में कन्वर्ट कर पाऊं। तब जाके आपका जरूरत में चाहत में कन्वर्ट करने के बाद जो नॉलेज है आपका वो बढ़ जाएगा, और एक आदमी को आप जरूरत को चाहत में कन्वर्ट कर सकते हो, एक आदमी का दिमाग यहां से उठाकर यहां पे ला सकते हो। जब एक आदमी को
आप यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आया तो आपका 25-25-50 का सेल का टीम बन गया। आप ही बिजनेस के अंदर एक महीना के अंदर फाइनली में बोलो आप आराम से बिजनेस का सीधा बन सकते हैं। छोटा सा क्यों है, हर आदमी को छोड़ो तो चाहत में कन्वर्ट कर दो जाके। और हम लोग क्या करते हैं भाई, ये 40 लाख का बिजनेस है, ऐसा है वैसा है, आप एक साल के अंदर गाड़ी ले लोगे, घर बन जाएगा, आप करोड़पति बन जाओगे, आप ऐसा होगा वैसा होगा, वो हो जाएगा वो हो गया, वो तो गाड़ी ले लिया, आप यहां से घर ले लोगे, ये चीज दिखाना शुरू कर दो। लेकिन एक आदमी का जरूरत को चाहत में कन्वर्ट नहीं करते फील्ड में, जिस वजह से आज रिजल्ट नहीं आ रहा। आज से क्या करना है, हर आदमी का जरूरत है सब सब करना, हर आदमी को 1 लाख का जरूरत है लेकिन बंदा के अंदर चाहत नहीं है। एक मोटा आदमी को सुबह उठना जरूरत है लेकिन सुबह उठना उसका चाहत नहीं है, जिस वजह से इतना मोटा होते जा रहा, फूलते जा रहा, बंदा फट जाएगा मालूम नहीं चल रहा। बात सही है ना? हर आदमी को सुबह उठना जरूरत है, वो जान रहा है कि मैं जब सुबह नहीं उठूंगा तो मैं फूलते जा रहा हूं, एक दिन फट जाऊंगा। लेकिन आदमी बोलते भाई चलो उठेंगे तो अभी तो सिर्फ 5:30 बजा हुआ है, 6 बजे उठ जाऊंगा। ये 6 बजते 8 बजे तक बंदा उठ नहीं पाता, मतलब वो जरूरत को चाहत में कन्वर्ट कोई नहीं किया, उसका जरूरत है चाहत नहीं है। तो आज से आप फील्ड में जाओ, एक आदमी को ये बिजनेस प्लान दिखाने के बाद उसका जरूरत को चाहत में कन्वर्ट करना शुरू कर लो। जब तक आप इस बिजनेस में जब प्लान दिखा रहे हो, एक आदमी को रियालिटी मत नहीं दिखाओगे, जब तक उसका प्रेजेंट लाइफ जब तक नहीं दिखाओगे, तब तक एक बंदा जोरत से चाहत में कन्वर्ट कभी भी नहीं हो सकता। जब एक आदमी को जोरत से चाहत में कन्वर्ट करना शुरू कर लोगे तो आप भी 100% जुड़ेगा और आपका 1 महीना का जो टारगेट है आपका 100% आपका पूरा हो जाएगा। जी सर। लेकिन ये जो सारे सिलसिला है, ये सचमुच क्या आप अपना दिमाग का अंदर ये 1 महीना बचा पाओगे? बचा पाओगे 1 महीना? Yes, क्या 1 महीना आप ये बिजनेस को, ये जो टेक्निक्स को बचा पाओगे? Yes, आप देखते हैं कि लोग जब फील्ड में जाते हैं, कुछ लोगों का रिजेक्शन सुनने के बाद भूल जाता है कि मैं टारगेट भी लिया था कि मेरे सिल्वर बनना है, भूल जाते हैं। जब 2-4 लोग बिजनेस में आ जाते हैं, 2-4 लोगों को फिर आगे बिजनेस नहीं होता है, फिर लोग भूल जाते हैं कि मेरे को एक टारगेट लिया था भी 1 महीना पहले कि मेरे को सिल्वर बनना है, जिसके लिए मैं प्रॉपर वेट प्लानिंग कर चुका था और प्लानिंग के हिसाब से मैं काम करना शुरू कर चुका है। लेकिन आज नहीं हो रहा तो मैं बिजनेस छोड़ दूंगा, मेरे को TLCC नहीं जाना है, मेरे को वो नहीं करना। आप ये बिजनेस के अंदर गलत एक्टिविटी ले आते, क्या इस हिसाब से काम यदि चले क्या आप सक्सेस हो जाओगे? नो सर। किचन वाला ट्रेनिंग कोई मतलब रहेगा? नो सर। जब आप बिजनेस में कल आए ट्रेनिंग लिए, आज जो आपका अंदर जो एक्साइटमेंट है सिल्वर बनने का, जो आप सोच रहे हो कि आने वाला 1 महीने के अंदर मेरे को सिल्वर बनना है, क्या ये जो एक्साइटमेंट, ये जो पागलपन, यदि आप कुछ दिन फील्ड में जाएंगे फिर इसको खत्म कर देंगे सिर्फ 2-4-10 दिन के अंदर? आप 1 पेटिक नहीं टिक रहे हो बिजनेस के अंदर, तो 10 दिन बाद 15 दिन बाद 1 महीने का बाद जब ये जोश आपके अंदर खत्म हो जाएगा, ये टारगेट जब लिए उसको भूल जाएंगे, क्या सिल्वर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। हर सेक्टर जो मार्केट के अंदर आज शुरू हुआ है ना, चाहे बैंकिंग देख लो, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर पकड़ लो, चाहे कुछ भी चीज देख लो, हर कंपनी का जब स्टार्ट होता है और सक्सेस तक मार्केट में टिकने तक, जब तक वो मार्केट के अंदर अपना मुद्दा नहीं बना लेता, तब तक वो 4 फेज से गुजरता है। 4 फेज से, पहला फेज नेगेटिव फेज, पहला, दूसरा पॉजिटिव फेज, तीसरा, पहला हो गया आपका नेगेटिव फेज, दूसरा आपका पॉजिटिव फेज, तीसरा आपका ग्रोथ फेज और आपका चौथा नॉर्मल फेज। नेगेटिव फेज जिसमें आज नेटवर्क मार्केटिंग है, आज का टाइम नेगेटिव फेज। एक दिन टाइम था बैंक को क्या नेगेटिव फेज, फेस नहीं किया था, बैंक फेस किया था ना? Yes, जब बैंक आया था मार्केट के अंदर, क्या लोग जागे पैसा जमा करना शुरू कर लिया बैंक के अंदर? Yes, जब मार्केट के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर आया, लोग जब इंश्योरेंस वाला बोले कि सर आप पैसा रखो आपका मरने के बाद पैसा मिलेगा, बोलते भाई यहाँ पे जिंदा होने के टाइम भी पैसा नहीं मिलता, बोलते मरने के बाद पैसा मिलेगा, फिर लोग इंश्योरेंस सेक्टर को वहां पैसा रखना बंद कर दिया, रखा भी नहीं,
स्टार्ट भी नहीं हुआ इंश्योरेंस सेक्टर, फिर धीरे धीरे लेकिन नेगेटिव फेस था हर सेक्टर का, बैंकिंग का नेगेटिव फेस था, और वहां पे धीरे धीरे लोगों को समझाना शुरू किया। जब एक आदमी पैसा रखा मानने वाले उसके घर में पैसा आया तो लोगों को मालूम चला कि नहीं इसमें पैसा आता है, बैंक में एक बार पैसा रखा दो बार पैसा रखा, फिर रिटर्न जब आना शुरू हुआ तो मालूम चला नहीं इसमें पैसा सेव रहता है, तो फिर लोग बैंक में पैसा रखना शुरू किए, फिर मार्केट के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर में लोग पैसा रखना शुरू किए। तो वो जो दौर था नेगेटिव फेस था उस टाइम, और आज नेटवर्क मार्केटिंग का नेगेटिव फेस है, नेगेटिव फेस हम लोगों ने पार कर चुके हैं। जब हम बिजनेस शुरू किए थे उड़ीसा के अंदर झारखंड के अंदर, तब मेरे साथ नेगेटिव फेस था, मेरे साथ लोग मेरे को मना कर रहे थे क्योंकि मेरे पास ना टूलकिट था, ना पैकेज था, ना चेक था, ना इनकम था, सिर्फ लोगों को दिखाता कि भाई और एक सिस्टम है जहां पे आप 40 लाख कमाओगे और यहां से ढंग से काम करने के बाद 1 साल में 1 लाख आता है, एक भरोसा एक आत्मविश्वास लेके मैं मार्केट के अंदर उतरा था। और लोगों को जब बताना शुरू किया लोग मेरे को मना करना भी शुरू किए, लेकिन उस टाइम मैं अपना हौसला नहीं हारा और बिजनेस करते गया करते गया करते गया, मैं आराम से बिजनेस में नेगेटिव फेज जो था वो पार कर गया। और आप आज का टाइम है आपको नेगेटिव फेज, आपको आज आप नेगेटिव फेज कभी फेस नहीं करोगे, आज डायरेक्टली आपको इस बिजनेस के अंदर डायरेक्ट पॉजिटिव फेज नजर आता है, आपको सीधा पॉजिटिव फेज आज मार्केट के अंदर 3.5 साल में आज झारखंड उड़ीसा के अंदर आज पॉजिटिव फेज चल रहा है, पॉजिटिव फेज। और जो बंदा नेगेटिव फेज के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है या पॉजिटिव फेज के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया होगा और सिर्फ 6 महीना 1 साल का बाद ये जो बिजनेस ना आपका ग्रोथ फेज में आ जाएगा, आप समझ रहे हो ना? यस सर, ग्रोथ फेज में आ जाएगा। जब ग्रोथ फेज में टिक जाओगे तो एक दिन समय आएगा कि आज जैसे लोग बैंक में पैसा रखने के लिए पागल हो रहे हैं, आज लोग मार्केट में इंश्योरेंस खोलने के लिए पागल हो रहे हैं, और जब इस सेक्टर में जब आपका नॉर्मल फेज आ जाएगा ना तो आप इस बिजनेस के अंदर राज करोगे, सिर्फ अब 2 फेज बाकी है। टिक जाओ, सिर्फ 6 महीना साल बाद टिक जाओ। आज लोकल मार्केटिंग के अंदर नेगेटिव फेज है और ये नेगेटिव फेज पॉजिटिव फेज में आएगा, पॉजिटिव फेज फिर आपका ग्रोथ फेज में आएगा, और ग्रोथ फेज एक ना एक दिन मार्केट के अंदर नॉर्मल फेज में आ जाएगा। तो आप फाइनल कर लो कि आप किस फेज से बिजनेस आउट होने वाले हो, रहोगे या हट जाओगे। यदि रहोगे तो जिंदगी बदल जाएगा सिर्फ कुछ दिन का बाद, यदि नहीं रहोगे तो कुछ दिन का बाद अंदर अभी बिजनेस आउट हो जाओगे, फिर सोचते रहोगे रोते रहोगे भाई एक बिजनेस तो मिला था लेकिन कुछ नहीं कर पाए। तो आज आपको इसके अंदर आपको फाइनल करना पड़ेगा, आपका दिमाग में आपका टारगेट सेट कर लो, उसके लिए प्लानिंग कर चुके हो और जाकर प्रोटीन स्टार्ट करो, फील्ड के अंदर काम शुरू कर लो, दिखावत मन भूल जाओ खाना पीना, सुबह निकलो शाम घर पे आओ, बिजनेस करना शुरू कर लो। जब तक सिल्वर नहीं बन जाता एक प्रेशर तब तक बिजनेस घर पे मत आना, नाइट ट्रेनिंग लो, टेक्निक लो, सारे काम करो, जो भी सबसे एक्टिविटी है उसमें जाकर खुद एंटर हो जाओ, तब तक बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आप जो भी आज सिल्वर है अपने लेफ्ट और राइट में दो दो सिल्वर निकालने का प्लानिंग कर लो, टारगेट सेट कर लो, उसके प्लानिंग करो बैठ के, फिर काम करना शुरू कर लो। देखना 1 महीने के अंदर यदि मैं 3 टारगेट के लिए 3 सिल्वर के लिए प्लानिंग कर चुका हूं तो आप भी एक बार टारगेट लेके देखो और जिसके लिए प्लानिंग करके सेट करके देखो, और प्लानिंग जब कर लोगे वर्किंग करना शुरू कर लो, आपको यहां से बोले डेफिनेटली आप भी बिजनेस के अंदर 100% आप सिल्वर बनोगे, आप सिल्वर बना के आओगे। तो दोस्त आज टाइम आ चुका है एक ऐसा शख्स से मिलने के लिए जो शख्स आज नेटवर्क मार्केटिंग की